नमस्कार, मैं मानसी राठौर, डीजर हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे पढ़ने से पहले देखते हैं नगर प्रमुख हलचल। विगत दिनों चाकूबाजी की घटना को अंजाम देकर फरार होने वाले बदमाशों को पुलिस ने 48 घंटे में दबोचा। बदमाशों का पुलिस से निकाला पैदल जुलूस, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है के नारे रास्ते भर अपराधियों ने लगाए। कलेक्टर भास्कर लक्षकार द्वारा जिले की जावरा जनपद क्षेत्रों में किया निरीक्षण। निरीक्षण में स्कूल में प्राचार्य मिले नदारद, भोजन की गुणवत्ता सही नहीं मिलने पर कलेक्टर ने की नाराजगी व्यक्त। प्राचार्य के वेतन वृद्धि रोकी, वही भोजन बनाने वाले समूह को बदलने को कहा। ईश्वरनगर रेलवे फाटक पर कार्यरत कर्मचारी नशे की हालत में मिला। ट्रेन आने पर भी फाटक को बंद नहीं किया। क्षेत्र से गुजर रहे राहगीरों ने रेलवे फाटक बंद कर रेलवे अधिकारियों को दी सूचना। फाटक पर कार्यरत कर्मचारी को रेलवे अधिकारी ने किया बर्खास्त। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस नगर रतलाम द्वारा नगर शाखा ने किया नवीन कार्यकारिणी का गठन। सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर महापौर को सौंपा ज्ञापन। विगत दिनों चाकूबाजी की घटना को अंजाम देकर कबीर साहब के मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को चाकू मारकर घायल करने वाले मामले में आज बदमाशों को पुलिस ने पकड़कर घटना स्थल की तस्दीक करवाई। वैसे तो हमेशा पुलिस कानून व्यवस्था उक्त और कस दुरुस्त होने के दावे करती है, लेकिन पुलिस के दावों की अक्सर पोल बदमाश खोल देते हैं। चाहे चोरी के मामले में हो या फिर रंगदारी या फिर चाकूबाजी के मामले में, आए दिन शहर में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती ही रहती है जिससे कि कानून व्यवस्था की पोल खुल जाती है। विगत दिनों थावरे बाजार क्षेत्र में कबीर साहब के मंदिर के यहाँ निवासरत एक परिवार को बदमाशों के खौफ का कोप भाजन बनना पड़ गया। मामला कुछ इस प्रकार था कि दो दिन पूर्व मेहता जी के वास समीप स्थित कबीरदास जी के मंदिर के पुजारी को बदमाशों ने रात करीब 1:30 बजे के आसपास उसके घर का दरवाजा तोड़ते हुए घर में प्रवेश किया और उसको चाकू से गोद दिया। करीब एक दर्जन से अधिक स्थानों पर बदमाशों ने पुजारी को चाकू मारकर घायल कर दिया। वहीं बदमाश चाकूबाजी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आनन फानन में बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दी। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस जब बदमाशों को घटना स्थल तस्दीक करवाने के लिए लेकर जा रही थी कि तभी रास्ते में पुलिस का वाहन खराब हो गया और पुलिस वाले बदमाशों को पैदल ही घटना स्थल की ओर ले गए। घटना स्थल पर पहुंचने के साथ ही बदमाशों ने कान पकड़कर कहना शुरू कर दिया कि पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, अपराध अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप 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 है, अपराध। कलेक्टर भास्कर लक्षकार द्वारा जिले की जनपद जावरा के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। स्कूल में प्राचार्य व भोजन की गुणवत्ता सही नहीं मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर भास्कर लक्षकार द्वारा जिले की जनपद जावरा के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कलेक्टर ग्राम रोजाना पहुंचे। ग्राम पंचायत रोजाना में कलेक्टर ने आंगनवाड़ी तथा हाई स्कूल का निरीक्षण किया। यहां पर बगैर सूचना के प्राचार्य की अनुपस्थिति पर संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। आंगनवाड़ी में दस्तावेज नहीं मिलने पर सहायिका का 7 दिवस वेतन काटने के निर्देश दिए। रोजाना हाई स्कूल के प्राचार्य बगैर सूचना विगत 18 जनवरी से अनुपस्थित पाए गए। उनका वेतन अकार्य दिवस मानते हुए
राजसात करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। स्कूल में कैश बुक तथा अन्य दस्तावेजों का संधारण बेहद दयनीय अवस्था में पाया गया। कलेक्टर द्वारा सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। साथ ही कलेक्टर ने ग्राम रोजाना स्कूल में समूह द्वारा बनाए गए भोजन की गुणवत्ता को स्वयं चक्कर परखा। गुणवत्ता खराब पाए जाने पर भोजन बनाने वाले समूह को बदलने के निर्देश दिए। ईश्वर नगर रेलवे फाटक पर कार्यरत कर्मचारी ने नशे की हालत में होने पर ट्रेन आने पर भी फाटक नहीं लगाया। क्षेत्र से गुजर रहे राहगीरों ने रेलवे फाटक बंद किया व रेलवे अधिकारियों को सूचना की। ईश्वर नगर रेलवे फाटक क्षेत्र से गुजरने वाले लोग उस वक्त आश्चर्यचकित रह गए जब रेलवे फाटक के बंद हुए बिना ही ट्रेनों की आवाजाही देखने को मिली। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए रेलवे फाटक को बंद किया और रेलवे अधिकारियों को सूचना की। जानकारी अनुसार ईश्वर नगर क्षेत्र स्थित रेलवे फाटक बंद करने वाले केबिन में कार्यरत कर्मचारी नशे में था, जिसकी वजह से वह ट्रेन के गुजरने के टाइम भी फाटक को उसने बंद नहीं किया और बगैर फाटक बंद करे ही ट्रेनों की आवाजाही देखने को मिली। बड़ी दुर्घटना के भय से क्षेत्र से गुजर रहे राहगीरों ने फाटक को बंद किया और रेलवे अधिकारियों को सूचना दी। रेलवे कर्मचारी की लापरवाही वाली सूचना मिलने पर तुरंत रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और व्यवस्था को संभाला। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ईश्वर नगर क्षेत्र स्थित रेलवे फाटक को बंद करने वाला कैबिन का कर्मचारी नशे की हालत में था, जिसको अधिकारियों ने तत्काल सस्पेंड कर दिया एवं मामले की जांच के आदेश दिए। प्रत्यक्षदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया। हाँ। फाटक बंद नहीं करी तो भैया फुल नशे में हो रहे थे। हाँ। मैंने जाके फाटक बंद करी। हाँ। और फुल नशे में हो रहे भैया। कितनी ट्रेनें रुकी थी? कितनी ट्रेनें? एक ट्रेन थी और एक ट्रेन आगे थी, दो ट्रेन थी। अच्छा, एक उधर सारी थी और एक अपने यहाँ तक आगे थी ट्रेन। कितनी देर जाम रहा है? एक पहले आई थी भैया, आधा घंटा हो गया। फिर ये फाटक कैसे खुली? अभी कैसे क्या हुआ? ये अपने मोहल्ले ने खोली भैया। अच्छा, लोगों ने खोली फाटक? ये चोरे ने, इसने हमने, मैं दूल्हा गया ऊपर, मैंने फाटक बंद करी थी। लगी थी और दो ट्रेन आ रही थी जी, अम्मे सामने से जी, सर फाटक ही लग रही और उसमें फाटक ही नहीं लगी और इंसान गुजर रहे थे यहाँ से, उनको हमने रोका यहाँ पे। अच्छा, ट्रेन देख के ना, क्योंकि ट्रेन तो ही आमने सामने से आ रही है, थोड़ी थोड़ी दूर पे रुक गई ट्रेन, उन्होंने हॉर्न मारा, ये फाटक ही नहीं लगा रहा, तो हमने इंसानों को रोका और ऊपर गए तो वो इंसान दारू पी रहा ऊपर, जो फाटक लगाने वाला है ना वो दारू पी रहा ऊपर। अच्छा, बैठ के इतनी बड़ी बाटल है, उसके कारण हम ऊपर गए, उसको देखा हमने कि हमारे दो तीन मित्र है ऊपर गए जी, उसको देखा, उसको उठाया वहाँ से जी, दारू पी रहा था वो जी, उसको उठा के ना उससे फिर बंद कर भाई। ऐसे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस नगर रतलाम द्वारा नगर शाखा की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया व सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस नगर रतलाम द्वारा सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर एवं नगर शाखा नई कार्यकारिणी प्रबंध कार्यकारिणी के गठन हेतु बैठक नगर निगम परिषद हाल आयोजित हुई। बैठक में सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण की गई। उपस्थित कर्मचारियों ने कमल भाटी वाल्मीकि को सर्वानुमति से अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया। तत्पश्चात कमल भाटी ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक हाड़े, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजू कल्याण, श्याम छपरी, महामंत्री मुकेश खरे, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र आर्य, संगठन मंत्री कुंदन धुलिया, प्रचार सचिव सुनील बिड़वान आदि को मनोनीत करते हुए संगठन का विस्तार किया। साथ ही वाल्मीकि मोहल्लों के अध्यक्ष रतलाम के 50 वार्डों अध्यक्ष मनोनीत करने की घोषणा की गई। साथ ही सभा में कर्मचारियों की उपस्थिति में महापौर प्रहलाद पटेल को बुलाकर पुष्पमाला से स्वागत कर अस्थायी कर्मचारियों को विनियमितीकरण व विनियमितीकरण को स्थायीकरण करने के साथ अन्य मांगों के संबंधी मांग पत्र दिया गया। नियम एक है, कायदे एक है, काम एक है, तो उनको भी उसी तहत रतलाम नगर निगम के कर्मचारियों को भी हमारा एक की राशि बिजली की राशि नगर निगम के जो कर्मचारी वेतन से कटी है वो उनके खातों में जमा नहीं होने के कारण, दूसरा समय पे वेतन नहीं होने के कारण
कई कर्मचारियों ने बैंकों से लोन लिया हुआ है, जिनको पेनल्टी लगती है, ब्याज लग जाता है, उसका आर्थिक आर्थिक भाव पड़ता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि एक तो शासन ने उसमें भी आदेश जारी करा हुआ है कि नगर निगम की कोई वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण भी कई जगह वेतन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम सामूहिक रूप से सभी कर्मचारियों को वेतन भुगतान समय पर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम स्थिति को देखते हुए एक पैरेंट को सबसे पहले जो निचले स्तर का कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी को सबसे पहले वेतन भुगतान कर दिया जाए और उसके आदेश एक तारीख के दिन देने के है। अगर एक तारीख को कोई अवकाश होता तो नेक्स्ट दिन मिल जाए उसका वेतन, ताकि वो अपने परिवार का संचालन ठीक से कर सके। श्री जांगड़ा कोरवाल समाज द्वारा मंदसौर में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन दिया गया। कलेक्ट्रेट में श्री जांगड़ा पोरवाल समाज अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन एवं पोरवाल महिला मंडल द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि 26 जनवरी 2024 शुक्रवार को राजीव नगर मंदसौर में राजेश काला के घर पर गैस दुर्घटना होने के कारण उनकी पत्नी पुष्पाबाई काला का दुखद निधन हो गया है तथा राजेश काला की हालत भी आर्थिक रूप से नाजुक है, इसलिए परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने से उनका इलाज, उनके परिवार को आजीविका चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अतः परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं एक सदस्य को शासकीय नौकरी प्रदान करने का अनुरोध मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से किया गया है, जिससे उनके परिवार का गुजर बसर आसानी से हो सके। इस अवसर पर अध्यक्ष गोपाल मजावदिया, सचिव अनिल पोरवाल, कोषाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, बंसीलाल मजावदिया सहित समाज जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज के लिए बस यही तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। विगत दिनों चाकूबाजी की घटना को अंजाम देकर फरार होने वाले बदमाशों को पुलिस ने 48 घंटे में दबोचा। बदमाशों का पुलिस से निकाला पैदल जुलूस, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है के नारे रास्ते भर अपराधियों ने लगाए। कलेक्टर भास्कर लक्षकार द्वारा जिले की जावरा जनपद क्षेत्रों में किया निरीक्षण। निरीक्षण में स्कूल में प्राचार्य मिले नदारद, भोजन की गुणवत्ता सही नहीं मिलने पर कलेक्टर ने की नाराजगी व्यक्त। प्राचार्य के वेतन वृद्धि रोकी, वही भोजन बनाने वाले समूह को बदलने को कहा। ईश्वरनगर रेलवे फाटक पर कार्यरत कर्मचारी नशे की हालत में मिला, ट्रेन आने पर भी फाटक को बंद नहीं किया। क्षेत्र से गुजर रहे राहगीरों ने रेलवे फाटक बंद कर रेलवे अधिकारियों को दी सूचना, फाटक पर कार्यरत कर्मचारी को रेलवे अधिकारी ने किया बर्खास्त। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस नगर रतलाम द्वारा नगर शाखा ने किया नवीन कार्यकारिणी का गठन, सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर महापौर को सौंपा ज्ञापन।